चार्ज हर मंथ मार्च आप देखा पसंद कर रहा है। हर रोज नोएडा गाजियाबाद की हर जगह से सेंटर के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कई जगह प्रशासन आदेश के बावजूद भी उन्हें बैठकर उनकी जो सामान है उनकी जो रोजी रोजगार है वो नहीं मिल रहा है। कई जगह पे इसके लेकर के विज्ञापन किया गया है, कई जगह मान ली गई है, कई जगह अभी भी उनकी ज्ञापन पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात आती है कि चार महीने से जो लोग रोज कमाने वाले खाने वाले हैं वो चार महीने से लगातार अपने घर में बैठकर किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे ये सोचने वाली बात है। प्रशासन और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में खास करके नोएडा गाजियाबाद जैसी शहर में बैंडर को बसाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का भी आदेश और आदेश भी है 2014 के जो नियम है उसके अनुसार आदेश है कि हर बैंडर को बसाया जाए ताकि वो अपना अपना आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन अभी तक लोन तो दिए हैं कि बातें तो सरकार कर रही है और दे भी रही है, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या उस लोन से आदमी आत्मनिर्भर हो पाएगा। अगर वो 10,000 रुपये लेके जाता है, पटरी लगाता है, सामान खरीदता है, बोले कि उसे पुलिस का अधिकारी उसको उठा लेता है तो आत्मनिर्भर होगा या आत्म मैंने जो उसके कर्जे में डूब जाएगा उसके फिर क्या हालत होगा, या आप सब भी समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। इसी मामले को लेकर आज नोएडा जो रेलवे पटरी वेंडर एसोसिएशन में संचालक हैं उन्होंने DM जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया। उनसे जानते हैं हमारे साथ शाम किशोर गुप्ता जी हैं जो महासचिव है रेलवे पटरी वेंडर एसोसिएशन की। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, आपने आज DM साहब को ज्ञापन दिया तो क्या समस्या है, क्या क्या क्यों ज्ञापन दिया? मैं सबसे पहले वतन की आवाज़ को धन्यवाद करता हूँ कि हम रेलवे पटरी वालों के लिए इतना वो करते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक अधिकारी को पहुँचाते हैं। आज हमने विज्ञापन जो दिया है वो विज्ञापन इसलिए दिया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी 10,000 रुपये की वेंडर के लिए 10,000 रुपये का लोन का हिसाब किया है, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन 10,000 रुपये जो वो लोन हमें दे रहे हैं तो हम बिजनेस कहाँ पर बैठ के करेंगे, ये भी तो हमको प्रधानमंत्री जी बताएं कि हम बिजनेस कहाँ करेंगे। आज हम 10,000 रुपये का लोन ले लें, कल 10,000 रुपये की ठेली लाए, 15,000 रुपये का माल लाए, 5-10,000 का लगाए, कल नगर निगम उठा ले जाए, नगर पालिका उठा ले जाए, नोएडा प्राधिकरण उठा ले जाए, तो वो सामान हमारा कहाँ बचेगा, हम तो कर्जे में डूब जाएंगे, 7% ब्याज है। तो माननीय मुख्यमंत्री से विज्ञापन में हमने ये मांग की हमें लोन नहीं, हमें स्थायी वेंडिंग जोन और स्थायी रोजगार दिया जाए, स्थायी जगह दी जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमें लोन ना दें, हमें कारोबार करने के लिए सुरक्षित जगह दी जाए। सिर्फ जो आपकी जो समस्या है वो सिर्फ स्थायी बिल्डिंग जोन की, और भी कोई समस्या आपकी? हमारी समस्या और भी है, जैसे हम लोग दुकान लगाने जाते हैं पुलिस द्वारा हमें मारा पीटा जाता है, दबाए क्यों बंद किया जाता है, सामान हमारा नोएडा प्राधिकरण उठा ले जाती है, नगर निगम उठा ले जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, शाहजहाँपुर, कहीं भी हो, सब जगह यही हाल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें लोन पर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर आदमी कब बनेगा, जब मेहनत करेगा, स्वयं अपना परिवार चलाएगा। आप आज लोन देते वो कलम खा जाएंगे तो उस लोन का फायदा क्या, आप कर्जे में डूब जाएंगे, ये हमारी समस्या। नहीं, ये जो 10,000 के लोन दे रहा है किस बेस पे दे रहा है, किसके लिए, क्या क्या डिमांड है सरकार किस बेस पे दे रहा है, दे रहा है तो वापस भी चाहिए सरकार को या दे रहा है? अरे सरकार 10,000 रुपये जो लोन दे रही है वो वापस भी लिया जाएगा, उस पर 7% ब्याज भी लिया जाएगा। नहीं, आपने जैसे कहा था कि पिछले वीडियो में कहा था आपने कि 10,000 के लोन नहीं, मुझे वेंडर जोन चाहिए, तो कुछ आपके जो दूसरी पार्टी वो कह रहे हैं जी हमें तो लोन चाहिए? नहीं, हमारा वेंडर कोई नहीं कह रहा है, ये ठेली पटरी के जो एसोसिएशन है हमारे यहाँ प्रतिनिधि, पुरानी जो बाजारें लगवाते थे वो पैड बाजार लगाते थे, वो वहाँ से पैसा उगाते थे, रसीद काटते थे, वो उनकी कमाई बंद हो गई है। अब उनके इसमें 10 फल पड़े हों, 20 फल पड़े हों, तो 20 फल पड़े तो 10,000 ले लिया, कितना हो गया, तो उनकी ये कायस्थानी बंद हो गई। अब वो तिलमिलाए हैं कि गुप्ता जी ने क्या आवाज़ उठा दी, अब गुप्ता जी ने बिल्कुल सही आवाज़ उठाई कि हमारा वेंडर जो पटरी लगाता है वो खुद कहता है हमें लोन नहीं चाहिए, हमें स्थायी जगह चाहिए, स्थायी कारोबार करने के लिए चाहिए। जो भी और एसोसिएशन है वो हमारे विरोध में है कि हम लोन लेंगे, गुप्ता जी कह रहे हैं लोन नहीं लेंगे। गुप्ता जी जो तिलमिलाए हुए हैं उनका भी तो आपको सोचना चाहिए,
पर उनकी रोजी रोजगार चलता है तो मुक्ता जी को थोड़ा सा उनके बारे में सोचने। भाई साहब, जब से देश आजाद हुआ है तब से पटरी दुकानदार लूट रहा है। कहीं पुलिस लूट रही है, कहीं गुंडे लूट रहे हैं, कहीं अधिकारी लूट रहे हैं, कहीं माफिया लूट रहे हैं कि अपनी एक सरकारी जमीन पे बाजार लगवाते हैं, वहां वो पैसे उगाते हैं। ये पूरा अधिकारी जानता है, पूरी सरकार जानती है कि माफिया क्या करते हैं। नोएडा में ही है, सरकार की जमीन है, पैसा माफिया उगा रहा है। तो क्या सबसे राज गुप्ता जी ये बताइए कि आवाज बार बार आ रही है कि अगर दिक्कत है तो सारे वेंडर को गुप्ता जी अकेले क्यों बोल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? या तो गुप्ता जी का अकेले का मामला है? नहीं, गुप्ता जी का कोई अकेले का मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं 2016 से बेरोजगार हूं और हमें कारोबार खुद नहीं करने दिया जा रहा प्राधिकरण पुलिस द्वारा। क्यों? हम जो आवाज़ उठाते हैं सच्चाई उठाते हैं, वेंडर के लिए उठाते हैं। हमारी लड़ाई, हमारा एक परिवार है, रेड़ी पटरी परिवार, उस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। घर में सदस्य एक जो होता है, कोई ना कोई सदस्य आवाज़ उठाता है अन्याय के खिलाफ, और जब अति हो जाती है तब तो मैं इन 12 लोगों के खिलाफ, हमारे टाउन वेल्थिंग कमेटी भी जो है उसमें हम 2 लोग एक हैं, 12 एक तरफ हैं, अब वो हमारा विरोध कर रहे हैं। बहुमत तो उधर है ना? नहीं है, 2 की बहुमत ज्यादा है। 10 लोग हैं आप? 2 नहीं, उनकी पोल खुल गई बंटवारे के चक्कर में। आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, जितना पब्लिक से रेडी पटरी वालों से लूटा है उनकी सबकी पोल खुल गई, उनकी रिकॉर्डिंग भी आई। रेडी पटरी जो सरकार बिल्डिंग लोन देने जा रही है, उनकी घोषणा कर रही है, जैसा कि बता रहे 7100 फार्म कुछ जमा हो प्राधिकरण के रिकॉर्ड 84 से, हाँ प्राधिकरण ने 7100 बता दिया, लेकिन मान लेते 7100 से शायद 2100 लोगों को अभी तक दिया। इसको देने का सिस्टम क्या है, कैसे दे प्राधिकरण, कैसे आपको पता होगा क्योंकि आप कमेटी के सदस्य? देखिए, हमारे जो सेक्टर 6 में अधिकारी बैठते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गलती उनकी नहीं है, जो सेक्टर 6 में प्राधिकरण में अधिकारी हमारे IAS IPS बैठे हैं उनकी नहीं है, उनको गुमराह कर रहे हैं सर्किल जोन के अधिकारी, जैसे परियोजना अभियंता और जई, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। अगर हमारी मैडम रितु महेश्वरी जी को हमारा प्रणाम, वो कहती हैं कि जो भी हमारे फार्म जमा हुए हैं 18 अक्टूबर में, वो फार्म हम माननीय न्यायालय में जो पटरी दुकानदार गए हैं उनका सर्वे करके लाओ दो। और यहाँ पर क्या होता है, परेश रावल जी ने 42 फार्म ऐसे लोगों को ले आया जो दुकान ही नहीं लगा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साइन करो। मैंने कहा साइन क्यों करिए, तो दुकान कि इसके सिस्टम क्या है, कैसे फार्म कैसे जमा करेगा? आप बिल्डिंग कमेटी में तो आपको पता होगा ज़्यादा विस्तार में, हम लोगों को तो फार्म देखिए ऐसा है, पहले फार्म बहुत बार जमा हो चुके थे, इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ था। मैं 2018 में विनोद पंजियार की फाइल में एक आर्डर कराया था, खुद पैरवी किया था हमने विनोद पंजियार की फाइल में। 2018 में उसमें आर्डर हुआ था नवंबर में कि आप लोग इनके 25 दिन में फार्म लें, जमा करें तो 100 रुपये की DD लगा के फॉर्म जमा हुआ था। वो 8000 की DD का फॉर्म हमारे पास भी पूरा डाटा है, और उसमें फिर क्यों, अगर हम कोई आदमी आएगा कहेगा पहली दुकान हमारी दूसरी झगड़ा होगा, तो उसमें ड्रा का प्रावधान हमारे एक्ट में, तो ड्रा के माध्यम से एक नंबर जो आया, एक नंबर, दो नंबर जो आया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे ड्रा हुआ, उस ड्रा के हिसाब से वेंडिंग जोन बना, लेकिन उसमें भी फर्जी लाइसेंस दे दिए गए। मतलब वो तो बात है कि आप सिस्टम की बात करें, और प्राधिकरण कह दिए कि 7100 फॉर्म आप करें, 8000 प्राधिकरण 7100, बड़े 2100 लोगों ने जमा ले चुके हैं, इसमें से 800 लोगों ने जो पैसे जमा करा था नहीं कराया, तो क्या, जबकि आप भी कहते हो 3600 लोगों को जोन दे दिया गया, तो लोग कहाँ है अभी, क्यों नहीं जोन में पहुँच रहे? वो लोग आधे से ज़्यादा लोग अपने घर में हैं कोरोना की महामारी में, और जो लोग कभी वेंडर का काम नहीं करते थे उन लोगों को वो वेंडिंग जोन में प्राधिकरण के सर्किल ऑफिसरों और जय लोगों ने बैठा दिया है। जी हाँ, जो बेचता नहीं था उसको वहाँ पे लगवा दिया गया। अच्छा, इसके कारण वो पहुँच रहे हैं? जी हाँ। तो अब वेंडिंग कमेटी जो है रेडी पटरी एसोसिएशन क्या कदम उठाने जा रही है, हर एक उस आदमी को मिले जो वहाँ पे उस काम को करता है, तो इसके लिए रेडी पटरी एसोसिएशन और वेंडिंग कमेटी साथ में अथॉरिटी के सब मिलकर किस तरह की कदम उठाना चाहिए वो उठाने जा रही है? मेरा मानना ये है कि हम टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य जितने हैं वो और प्राधिकरण के अधिकारी साथ में मिलकर पहले एक शहर की पूरी वीडियोग्राफी करें मीडिया के माध्यम से, और उनका सबका सर्वे करें, उसके बाद फॉर्म भरवाएं। एक सर्वे तो पहले हो चुका है? नहीं, वो सर्वे नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, वो सर्वे नहीं है, वो तो ऐसे फॉर्म जमा करा लिए
कोई नौकरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई रिक्शा चला रहा, तांगा चला रहा, उसने भग दिया। अच्छा। वो कोई सर्वे नहीं हुआ। तो अब उन्होंने शाम गुप्ता जी जो ज्ञापन दिया था, क्या करने है, क्या अगला कदम? अगला कदम हमारा ये है, अगर हमारी सुनवाई नहीं भाई ये 15 दिन 20 दिन में, या अयोध्या वाला काम हो जाए 5 वाला अगस्त वाला, फिर उसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय जाऊंगा चार लोग, वहाँ अपना गुहार लगाऊंगा कि हमारा दिल्ली पास है, उनसे हम मिलके अपनी समस्या आगे लाएंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। जी हाँ, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही सोचते हैं, समाज में कार्य करते हैं, लेकिन सबको मिला के चलें, जो भ्रष्टाचार है और जो नहीं है सबको। तो भ्रष्टाचार पर हम और भी कहना चाहते हैं कि हमारी इंदु प्रकाश जी और मैम हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमारे जो सर्किल परियोजना अभियंता हैं, सर्किल जय हैं, ये इनको गलत दिशा पे सूचना देते हैं और मिसगाइड करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बस धन्यवाद।